हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। अगर मेरे नए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपको एक और रिलेशन भर्ती के बारे में बताने वाला हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अदर सेंटर लगते हैं नहीं लगते हैं, और उसमें बताऊँगा कि कौन सी ट्रेड होती हैं और क्या क्या उसमें प्रोसेस है, सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। आपको करना कि आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखना है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम से टाइम। यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये गुड न्यूज़ भाइयों, फाइनली हमारा व्हाट्सअप ग्रुप आ चुका है, तो आप यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप मुझे अपनी जो भी प्रॉब्लम होती हैं उन्हें शेयर कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप कोई अभी अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करते हैं तो आपकी कुछ जल्दी ही, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और अगर नहीं होती तो आप मुझसे भी पर्सनली बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बात आपको बता दिया है, या आप अगर आपको ये वीडियो नहीं मिलती है, अगर आप मेरे अबाउट सेक्शन से भी जाकर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, जो रिजर्वेशन भर्ती मैं आपको बताने वाला हूँ वो पैरा रेजिमेंट के बारे में है। और आपको बता देता हूँ, शायद मेरे ख्याल से पैरा रेजिमेंट की यहाँ पे भर्ती 3 दिसंबर को हुई थी 2019 में, और अब भी चल रही है। और जो उसका एग्ज़ाम है मेरे ख्याल से 19 जनवरी को है, जो कि आने वाला है। और यहाँ पे रिजल्ट भी आया था, यहाँ पे जो पैरा रेजिमेंट में कुछ 100 के समथिंग वैकेंसी थी जीडी में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो 2018 का चार्ट है पैरा रेजिमेंट का, 10 अक्टूबर 2018। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो 2020 में निकलेगी वो मैं आपको बताता हूँ कि वो नवंबर अक्टूबर और दिसंबर के 3 महीनों के बीच में कभी भी निकल सकती है। और जो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं पैरा रेजिमेंट के निकलने के, वो नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में होती है निकलने की। यहाँ पे मैं आपको 2019 का चार्ट दिखा देता हूँ, 3 दिसंबर को निकली थी और 19 जनवरी 2020 तक चल रही है। मतलब 19 जनवरी को उसका एग्ज़ाम है और यहाँ पे 3 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, और जो मैं आपको बता देता हूँ जो निकलेगी पैरा रेजिमेंट की क्या कहते हैं भर्ती 2020 में, वो दिसंबर नवंबर के बीच में निकलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है, और आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रिजल्ट भी दिखा देता हूँ जो पैरा रेजिमेंट में आया था, एक मिनट वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पैरा रेजिमेंट को ओपन कर लेता हूँ, जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 24 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैरा रेजिमेंट सेंटर जीडी की, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आई थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये तो शायद 100 के समथिंग ही है, मेरे ख्याल से 100 भी नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये कुछ 80 और 100 के बीच में है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेडमैन की जो वैकेंसी हैं 3 हैं यहाँ पे, वो भी 10वीं क्लास से यहाँ पे। और जो आपकी क्या कहते हैं 8ई से कोई वैकेंसी नहीं थी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें जो अदर सेंटर के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं वैसे तो, पर अगर आपके पास नज़दीक है ये सेंटर तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो ये 2019 में ये शायद निकली है मेरे ख्याल से, ये इसमें भी इतना ही होगा मेरे ख्याल से भर्ती, और जो भी है देखते हैं। और मैं आपको इसमें प्रोसेस बता देता हूँ, इसमें भी 1600 मीटर है, जो कि 5:45 का टाइम दिया जाता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इसमें भी वो 100 और 150 के समथिंग का ग्रुप बनाया जाता है, और तो कुछ है नहीं बताने के लिए दोस्तों। और स्पोर्ट्स वाले इसमें शायद बुलाते नहीं हैं इसमें, और तो कुछ है नहीं बताने के लिए दोस्तों। और देखते हैं जो भी है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।